आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा ने भी कमर कसी हुई है क्योंकि भाजपा ने इस बार अपना लक्ष्य 75 प्लस रखा है, जिसको लेकर जनसभाएं और गांव के दौरे भाजपा नेता व मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल के दौरे पर हैं। करनाल विधानसभा में उनके कई कार्यक्रम हैं, जहां वो पहुंचकर लोगों से मिल रहे हैं और छोटी जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को आह्वान भी कर रहे हैं कि कमर कसकर चुनाव की तैयारियों के लिए तैयार हो जाएं। आज बीज का त्यौहार है और हरियाणा में बीज का त्यौहार बहुत ही उत्साह से उमंग से मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की पूरी जनता, विशेष तौर पर महिलाओं का, क्योंकि महिलाएं इस त्यौहार को बहुत आनंद से मनाती हैं, झूले झूलती हैं, इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सर, आज विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होगी करनाल से, आज पहला साल बहुत पहले शुरू कर दी थी जी। अब आज तो क्योंकि मेरी कॉन्शियंसी में अपने कार्यकर्ताओं को मिल रहा हूँ, मैं तो मिलने जुलने का हमारा काम चल रहा है लगातार। क्या प्रोग्राम रहेगा सर? कल सिरसा में श्री गुरु नानक देव जी का 550 साला जो जयंती का दिन है उस दिन सिरसा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। पूरे प्रदेश भर की जनता बड़े उत्साह से उल्लास से वहाँ भाग लेंगे। सर, 75 बार को लेकर जो है विपक्ष डर में और गठबंधन की तैयारियां कर रहे हैं, करते हैं, लोकतंत्र में सब कुछ होता है। धन्यवाद। करनाल से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।